एवरीवन, आई एम ईशान और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पांच ऐसे तरीके जिससे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई स्कूल का एग्जाम। कोई भी एग्जाम इन पांच तरीकों से होगा आसान। पहला तरीका, द नोटबुक स्ट्रैटेजी। द नोटबुक स्ट्रैटेजी क्या है? इसके अंदर आपको दो नोटबुक्स बनानी है और दो कॉपीज बनानी है। दो नोटबुक्स 200 पेज की, 300 पेज की, जितना भी आपका कंटेंट है, और कॉपीज छोटी सी 40-50 पेज है, उससे भी कम। इसमें करना क्या है? अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर उसकी कोई क्लासेस ले रहे होगे। अगर आप उसके लिए पे करके क्लासेस नहीं ले रहे हो तो यूट्यूब पे कोई ना कोई आपको पढ़ा रहा होगा। सो आप क्या करते हो, आप एक रजिस्टर रखते हो अपने साथ में, जो भी वो बोल रहा है उसमें जरूरी जरूरी चीजें जो भी आपको लगती है आपको लिखते हो। कोई अगर आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप करते हो, तो वो काइंड ऑफ आपका एक रफ रजिस्टर हो जाता है। लेकिन जरूरी है वो, जब आप उसको सामने से पढ़ रहे हो, जो आप नोट कर रहे हो उससे आपको समझ आ रहा है। और खास करके कई बार टीचर को जरूरी बात बता दे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम बता दे, वो आप नोट करते हो। एक आपका होगा ये वाला रजिस्टर, एक ये वाली नोटबुक। दूसरी कौन सी होगी? जब आपने अपनी क्लास अटेंड कर ली, सब लोग जाते हैं सेल्फ स्टडी करने। सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं? बुक खोली, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी, उसके अंदर ब्लैक पेन यूज किया किसी किसी ने रेड पेन यूज किया। वैसे करके हम एक बड़ा अच्छा सा एक रजिस्टर बनाते हैं। दैट इज योर मेन रजिस्टर, सबसे ज्यादा जरूरी रजिस्टर है वो आपका। जब आप एग्जाम से पहले कुछ पढ़ते हो आप उसी को पढ़ते हो, एग्जाम से 10 दिन पहले अगर आप रिवाइज करते हो तो उसी से रिवाइज करते हो। ये होगा आपका सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर। अब वो छोटी कॉपीज में हमको क्या करना है? दो छोटी कॉपीज। अगर आप कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, कोई मैथ्स का एग्जाम है, फाइनेंस का एग्जाम है, अकाउंट्स का एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है, उसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, कोई भी फॉर्मूला। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग करते हैं बहुत बड़ी गलती, वो होती है कि पहले हम अपना सारा का सारा सिलेबस खत्म करेंगे, सिलेबस खत्म करने के बाद हम फॉर्मूलाज याद करेंगे, फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस करने। तो यार जो आप फॉर्मूलाज का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उनको याद करने का, उसको स्टार्टिंग से करो। अब मैं स्टार्टिंग से कैसे करूं? मैं पहला चैप्टर पढ़ रहा हूं, उसमें दो ही फॉर्मूला थे, बाकी आएंगे बाद में, उसको कैसे करूं? कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आप पहला चैप्टर कर रहे हो उसमें है 2-3 फॉर्मूलाज, उसको एक छोटी सी कॉपी में आपने लिख दिया, जो आप दूसरा चैप्टर करने जाओगे ना उसको बस एक बार रीड कर लेना। और उसको हर रोज अगर आप रीड करोगे अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आप जाके फाइनली रियलाइज करोगे यार कि ये नोटबुक मेरे को याद है, ये पूरी की पूरी कॉपी मेरे को याद है। इसके अंदर अगर 150 फॉर्मूला भी है ना, आप उसको ब्रश करते हुए पढ़ लो, मेट्रो में जाते हुए पढ़ लो, गाड़ी में बैठे हुए पढ़ लो, कहीं पे आप किसी से बात करो एक बार खोल के देख लो, आप रियलाइज करोगे कि जब आप उसको इतनी बार देख चुके हो, इतनी बार सिर्फ पढ़ चुके हो, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद से ही याद कर लोगे। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल आएगा आपके ऊपर कि आप साथ साथ उसको पढ़ते रहो और उसको बनाते रहो। बट ये इतना ज्यादा आपका टाइम बचाएगी, इतना ज्यादा आपको हेल्प करेगी लास्ट के अंदर, जब सबसे कम टाइम बचता है स्टूडेंट्स के पास में, आप उसको तभी बात को समझ पाओगे। चौथी कॉपी होती है सबसे फेवरेट हर एक स्टूडेंट की। उसमें क्या करना है, अगर आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर लेट से 20 चैप्टर है उसके अंदर। अब मेरे साथ क्या होता था यार, कई बार मैं नोटिस करता हूँ कि 20 चैप्टर में अगर 200 पेज है ना, 200 पेज में अगर 2000 लाइनें हैं, तो उन 2000 में खास करके 50-60 ऐसी होंगी जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। कोई भी लाइन हो सकती है, वो लाइन या तो इम्पोर्टेंट होगी या फिर वो आपको याद नहीं हो रही या फिर आपको लगता है कि ये आ सकता है, उसको नोट कर लो। वो एक लाइन आपने उस कॉपी में लिख दी, इसको मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कॉपी। जो भी आपको लगता है कि यार ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, या फिर ये लाइन मुझे याद नहीं हो रही, या फिर ये लाइन एग्जाम में आ सकती है, मेरा मन कह रहा है, उसको लिख लो। उसको उसी तरीके से जैसे आप फॉर्मूला नोटबुक को पढ़ते हो ना, कभी कभी उसको खोल लो और उसको पढ़ते रहो। जब एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे, आप रियलाइज करोगे यार कि आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है, आपने फॉर्मूला याद कर लिए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तक याद कर लिए, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या मॉक्स करने हैं। तो ये जो 4 नोटबुक स्ट्रैटेजी है, ये मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, आप ये करके देखो, आपके सारे के सारे एग्जाम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम्स आप आराम से क्रैक कर लोगे और आपको ये बहुत आसान लगने लग जाएंगे। दूसरा तरीका है रिविजन। दूसरा और जो तीसरा है ना, ये बहुत बेसिक है, ये लोग सब करते हैं लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो 6 महीने से, जो आपने पहले महीने में पढ़ा और दूसरे महीने में पढ़ा ना, आप 4th, 5th, 6th महीने तक आके उसको भूलना शुरू कर देते हो। सो रिवीजन के लिए कम से कम जितनी आपने पढ़ाई करी है, जितने महीने आपने पढ़ाई करी है, उसका आधा टाइम कम से कम जरूर रखो रिवाइज करने के लिए,
और वो जो आपने चार नोटबुक्स बनाई है उनका यूज करो और रिवाइज बहुत ज्यादा थॉरली करो। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पढ़ाई करी फिर जब आप रिवाइज करने गए तो रियलाइज किया यार इसमें तो कुछ और था, मैंने कुछ और लिख रखा है, उसको आपने रीडू करा, कुछ याद नहीं और था उसको वापस याद किया, बहुत सारी चीजें होती है तो रिवाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज है मॉक एग्जाम। बहुत लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो मॉक एग्जाम दिए बिना चले जाते हैं, सोचते कि हमने सिलेबस कर लिया, हमने रिवाइज कर लिया, किसी ने कहा था फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला भी याद कर लिया, अब क्या जरूरत है मॉक एग्जाम की, सीधा पेपर देंगे। ये गलती मत करो, कम से कम एक पेपर जरूर करो, उससे आपको पैटर्न समझ आएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है, किस एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। मॉक एग्जाम कम से कम एक वरना 3 से 4 तो मैं जरूर बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम हो उसको जरूर करो और उससे आइडिया लगाओ कि कौन से टॉपिक्स मेरे को और पढ़ाई करने हैं, कौन से टॉपिक मेरे अच्छे हो रखे हैं, कौन से मेरे को बिल्कुल अब देखने की जरूरत भी नहीं है यार मैं कर लूंगा, तो ये आपको मॉक एग्जाम समझाएंगे। चौथा सबसे जरूरी तरीका है उन लोगों से बात करो जो ये एग्जाम दे चुके हैं। अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं उससे बात करूंगा जो यूपीएससी क्रैक कर चुका है, अगर मैं सीए का एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं उससे बात करूंगा जिसने सीए क्रैक कर रखा है, अगर मैं कैट एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं उससे बात करूंगा जो बहुत अच्छा कैट का स्कोर लाया, और एक से कम 3 ऐसे लोगों से मैं बात करूंगा, उनकी स्ट्रैटेजी समझूंगा, उनका तरीका समझूंगा, उनका मटेरियल कौन सा उन्होंने यूज किया है वो समझूंगा और भी बहुत सारी चीजें समझूंगा, शेड्यूल का रहा, कितना टाइम लगा, कैसे पढ़ाई करी, सब कुछ समझूंगा। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो लोग नहीं करते हैं। आपके वो सीनियर से बात कर सकते हो आप जिन्होंने किया है, आप उनको लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हो, अपने कोचिंग वालों को बोल सकते हो बात करवाने के लिए, उन सब लोगों से बात करो, उनके इंटरव्यू सुनो, उनसे समझो कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे उस एग्जाम को निकाला, और उन तरीकों को अपने स्ट्रैटेजी में भी अप्लाई करना शुरू करो। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत लोग ये नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते यार, मेरे को लगता है कि ये तो एक चीट कोड है आपके पास, अच्छा इस बंदे ने एग्जाम कर रखा है इससे पूछो कैसे किया, वो सेम चीज करो, उसका होगा आपका भी होगा, बल्कि डबल मेहनत करोगे तो और भी अच्छा होगा। ये एक बहुत जरूरी तरीका है, इसको आप जरूर फॉलो करें। पांचवा तरीका थोड़ा बेसिक बट इम्पोर्टेंट, वो है प्रैक्टिस करना, चाहे वो आपका थ्योरी एग्जाम हो या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत बार क्या होता है एक बड़ा पेपर आ जाता है, उम्मीद से ज्यादा बड़ा पेपर आ जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे में नहीं हो पाता, उस टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बेसिक कैलकुलेशंस या बेसिक क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी करोगे, एग्जाम में जो आप क्वेश्चन करोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बस एक नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहा हूँ। प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम को लाइटली ना ले, अगर आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसको क्रैक करना, उसको क्लियर करना है, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपका पेपर एक्चुअली में आसान बनाती है। इन 5 तरीकों के अंदर अगर आपके पास कोई छठा तरीका है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।